चलिए देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न दिया है हमें, सॉल्व करके बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आप सॉल्व करके देखें, सबसे पहले इस प्रश्न को एक अलग ही लॉजिक से सॉल्व किया है। इसको रो वाइज तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन क्या लॉजिक लगा है, ये जो डिजिट हैं इनको जोड़ना है, यानी 1 प्लस 4 दोनों डिजिट को जोड़ा, साथ में इन दोनों को भी जोड़ देना है, यानी 2 प्लस 2। ठीक, ये तो मिला 2 और 2 4, 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। सबको जोड़ने पर कितना मिला 9। इस 9 में से हमें -4 करना है तो कितना मिलेगा 5, लास्ट वाली संख्या हमें मिल रही है। सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे, इन डिजिट को अलग अलग जोड़ना है, जैसे 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। ठीक, 4 और 2 टोटल इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टोटल 15। 8 और 4 12, 12 2 14 और 15। अब इसमें से भी -4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 11। 11 हमें यहाँ पर मिल रहा है। सेम लॉजिक हमें यहाँ पर लगा, इन डिजिट को जोड़ना है, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ -4 किए, यहाँ -4 किया, इसमें से -4 करेंगे, 12 में से -4 करेंगे तो कितना मिलेगा 8। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 8, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।